गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू मैम? गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें क्या करना है? टुडे गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड इन द हड़प्पा सिटी, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आज हमें क्या पढ़ना है कि जो हड़प्पा सिटी के लोग थे वो क्या क्या चीज ग्रो करते थे, क्या क्या चीजें खाते थे। तो हम सभी ने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी इनके बारे में, इनके हाउस कैसे होते थे, किस तरीके से ये लोग हाउसेस बनाते थे, कौन कौन सी मीटर्स का ये लोग यूज करते थे, ज्वेलरी कैसे बनाते थे, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज क्या पढ़ना है हमें? फूड, ये कौन कौन सी क्रॉप्स यूज करते थे। देखिए क्या है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिव्ड इन द कंट्री साइड, ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। तो बहुत सारे लोग शहरों में रहते थे, कुछ शहर के बाहर भी रहते थे दूसरी तरफ, एंड ये सभी दे ग्रू क्रॉप्स, फसल उगाते थे, एंड रियर्ड एनिमल्स, जानवरों को पालते भी थे। दीज फार्मर एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब एंड द रूलर्स इन द सिटीज। तो ये जो किसान थे और जो चरवाहे थे, दैट मीन्स कि किसान फसल उगाते थे, जो हर्डर्स थे ये जानवरों को पालते थे, तो ये उनसे मिलने वाली चीजों को खुद ही नहीं यूज करते थे, पर्सनली यूज नहीं करते थे, ये क्राफ्ट पर्सन ट्राइब्स को भी देते थे एंड रूलर्स को भी देते थे। मीन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पा ग्रू, वीट, बर्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसिड एंड मस्टर्ड। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी फसलें वो लोग उगाना जानते हैं। ओके, ये वो फसलें दी गई है हमें जिन्हें हड़प्पा थे उगाना जानते थे, तो उन्हें देखिए इन सारी चीजों की नॉलेज थी। दैट मीन्स कि ये ऐसी फसलें हैं जो आज के टाइम पे नहीं, आज से लगभग 4700 साल पहले ही उगा ली गई थी। चलिए अब आगे देखिए, एक इनका न्यू टूल दिया है हमें, प्लफ। आप सभी ने देखा ही होगा वुडन प्लफ, जिसका इस्तेमाल प्लफिंग के लिए किया जाता है। तो फिलहाल कुछ टाइम पहले ये बैलों के द्वारा किया जाता था, आज ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। मैम आपकी आवाज कब तक के आ रही है? यस बेटा, सभी को प्रॉपर आवाज जा रही है? यस मैम, यस मैम। चलिए ओके, तो देखिए कुछ टाइम पहले क्या होता था, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा होगा, एक सॉन्ग आया था, मेरे देश की धरती सोना उगले, देखा होगा आप सभी ने। Yes, ma'am. पहले के टाइम पे क्या होता था, बैलों से जुताई की जाती थी, खेतों की जुताई की जाती थी, प्लफिंग की जाती थी। और अब क्या हो गया आज के टाइम पे, और आपको पता है बैलों के भी पहले लोग किससे करते थे, इससे। यह है प्लॉफिंग टूल, जिसे हल भी कहा जाता है, बच्चों को जब व्यंजन सिखाया जाता है, हासे हल। तो बैलों के भी आने से की जाती थी, इससे, हल से। ओके चलिए, तो यस मैम, अ न्यू टूल द प्लफ वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। तो एक ये नए टाइप का था द प्लफ, इसका नाम ही है प्लफ। इसका इस्तेमाल क्यों करते थे, वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। तो जमीन को खोदने के लिए, उसे टर्निंग करने के लिए, दैट मीन्स कि उसे ढीली बनाने के लिए, ताकि उसमें बीज डाले जा सके। वाइल रियल प्लफ विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। तो अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उनके रियल प्लफ नहीं मिले हैं, हमें केवल जो बच्चे उस टाइम के खेलते रहे होंगे वुडन प्लफ, जिससे बच्चे खेलते थे, टॉय प्लफ, ये मिला है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, उनका रियल प्लफ नहीं मिला। ओके, तो अब इन्होंने क्या बताया है, वर रियल प्लफ विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड। हो सकता है, प्रोबेबली मीन्स संभावना है, कि जो इनका रियल प्लफ होगा, जिससे ये लोग एक्चुअल में खेती करते रहे होंगे, वो अब बचा नहीं है। टॉय मॉडल हैव बी फाउंड, जो इनका है छोटा सा, जो बच्चे खेलते रहे होंगे, वो हमें मिला है। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड। अब यहाँ पर क्या पता लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती थी। डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ के जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती थी, इसलिए
सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, और इसलिए यहाँ पर इरिगेशन के कुछ तरीके यूज किए जाते थे, सिंचाई के कुछ तरीके यूज किए जाते थे. दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर एंड सप्लाई टू द फील्ड्स. तो यानी कि पानी को स्टोर किया जाता था कहीं और बाद में उसे खेतों तक सप्लाई किया जाता था. व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जैसे ही प्लांट स्टार्ट करते थे पहले ये लोग पानी स्टोर करते थे कहीं भी तालाब या बावड़ी में, और उसके बाद जब इनकी फसलें बड़ी होने लगती थी थोड़ी थोड़ी, तब ये क्या करते थे, वहां पानी का सप्लाई करते थे. अरुण बेटा माइक ऑफ रखना है, आप क्या यहाँ से आवाज रिपीट होके आ रही है. चलिए, तो अभी जितना पढ़ा है समझ आया सभी को? यस मैम. एंड ध्यान से सुनना है क्योंकि अभी आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी बताने हैं. ओके देखिए, अब हमें टॉय प्लफ के बारे में क्या दिया है एक बार देखते हैं. तो ए टॉय प्लफ, टुडे इन मैनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मैन यूज द प्लफ. वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पा फॉलोड सच कस्टम और नॉट. तो देखिए, ए टॉय प्लफ यानी कि एक खिलौने वाला प्लफ दिया है, क्योंकि बताया है हमें हड़प्पा का ओरिजिनल प्लफ नहीं मिला है क्योंकि वो बचा ही नहीं है. तो माना जाता है कि उस समय इसी तरीके से खेती की जाती रही होगी क्योंकि प्लफिंग का और कोई इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं दिखा है. दैट मीन्स कि ये लोग किससे खेती करते रहे होंगे, प्लफ से ही. एंड क्या बताया है कि आगे आने वाले टाइम में फार्मिंग कम्युनिटीज, दैट मीन्स जो किसानों का समुदाय था, ओनली मैन यूज द प्लफ, केवल जो आदमी होते थे, दैट मीन्स कि मेन पर्सन मैन, केवल पुरुष व्यक्ति ही प्लफिंग प्लफ का यूज करते थे. वी नॉट जो वुमेन्स है वो नहीं प्लफ चलाती थी, वो खेतों में प्लफिंग करने नहीं जाती थी, केवल मैन ही जाते थे. अब हमसे आगे क्या बोला है, वी डू नॉट नो हाउ वेदर द हड़प्पा फॉलोड सच कस्टम और नॉट. हमें ये नहीं मालूम कि क्या हड़प्पा में भी यही कस्टम फॉलो किया जाता था, क्या हड़प्पा में भी केवल मैन ही प्लफिंग करते थे या फिर वुमेन्स भी करती थी. तो फिलहाल इसका भी हमें कोई डिटेल नहीं मिला है. ओके चलिए अब आगे देखते हैं. तो अब हड़प्पा के लोग किन किन जानवरों को पालते थे. तो द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शिप, कैटल, शिप, गॉट एंड बफेलो. तो ये लोग देखिए किस किस को चला, क्या क्या रखते थे अपने साथ. कैटल, तो कैटल जिनको घास वगैरह चरवाया जाता है, इसमें गाय, भैंस, बकरी तीनों आ सकते हैं. दूसरा है शिप यानी कि भेड़. तो कैटल में एंड जो अलग से आपको शिप, गोट एंड बफेलो दिया है, इनमें क्या डिफरेंट है. कैटल का मतलब जब इन्हें हम किस लिए यूज करते हैं, बहुत सारा ग्रुप होता है और चराने के लिए हम लोग ले जाते हैं, तो उस ग्रुप में बहुत सारे होते हैं, 10-20 उससे ऊपर भी हो सकते हैं. एंड जब हम अलग केवल इंडिविजुअली एक को ही रखते हैं तब हमें वहां पर उसका नाम दिया गया है. ओके तो यहाँ के लोग देखिए कैटल, कैटल दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे जानवर इंक्लूड हो सकते हैं जिसे ये लोग चराने ले जाते रहे होंगे. एंड और क्या पालते थे, शिप, गॉट एंड बफेलो. तो ये ऐसे जानवर हैं जिन्हें हड़प्पा के लोग पालते थे. वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, और जहां भी ये लोग रहते थे, जहां पर इनका सेटलमेंट था, आवास, जहां पर ये लोग टिक करके रहते थे, तो इनके सेटलमेंट के आसपास क्या होता था, पानी भी होता था. वाटर एंड पास्चर्स दैट मीन्स कि पानी भी होता था एंड पास्चर दैट मीन्स की घास का मैदान जहां पर ये अपने जानवरों को चरा सके. तो ये दोनों ही चीजें उनके सेटलमेंट के आसपास होती थी. हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर. अब क्या होता था ड्राई समर मंथ्स में, जैसे ही बहुत भयानक गर्मी वाला महीना आता था यानी कि मई जून का महीना आता था, जैसे ही, तब क्या होता था, ये जो एनिमल्स हैं वर टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस, इन जानवरों को बहुत दूर ले जाया जाता था इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, घास और पानी की तलाश में, क्योंकि जैसे ही गर्मी आती थी ना तो वाटर रह जाता था इनके सेटलमेंट के पास, ना ही पास्चर्स, तो ना ही पानी रह जाता था ना ही घास के मैदान, और इसीलिए इन्हें अपने जानवरों को दूर लेके जाना पड़ता था जहां पर उन्हें पानी और घास का मैदान दोनों ही मिल सके. इसके अलावा क्या करते थे ये लोग, दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बर, कट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटेलप. तो अब आगे देखिए, ये बहुत सारे फल भी इकट्ठा करते थे. बर्रे एक पेड़ होता है, फिलहाल मुझे नहीं मालूम कौन सा पेड़ है ये. और इसके अलावा ये लोग मछली भी पकड़ते थे एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का शिकार करते थे. फिलहाल आजकल बैन लग गया है, जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकता कोई भी.
तो ये लोग जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। कौन से जानवर का? लाइक द एंटिलप। तो एंटिलप कौन होता है, आप लोग जानते हैं कौन सा जानवर है ये? यस, मालूम है किसी को? शो मी योर हैंड। एंटिलप कौन होता है? नहीं मालूम? हिरन की तरह दिखने वाला एनिमल होता है जिसके बहुत सारे सींग होते हैं। याद है कुछ? नहीं, बारा यस, सिंघा। बारहसिंघा। तो ये एंटिलोप कौन होता है? बारह सिंघा, जिसके 12 सिंह होते हैं। ये हिरन की तरह होता है लेकिन इसके सिंह बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखिए, ये जो हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। यस समझ मैम। आ गया सभी को? यस चलिए, तो अब एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ए क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो सेंटर है ना, वो तो फिलहाल पाकिस्तान में चले गए हैं, बहुत सारे हड़प्पा की जगह। जो मेन हमारी सिंधु नदी थी वो भी अब पाकिस्तान में ही है। चलिए, तो अब एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे का। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? विच टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द हड़प्पा सिटी? हड़प्पा शहर में किस टाइप की फसलें ग्रो की जाती थी, किस टाइप की फसलें उगाई जाती थी? यस, वो चल रहा आंसर, शो मी योर हैंड। मैम यस महक। व्हीट, पल्सेस, बार्ले, पीस, राइस, सीसम, लाइनसीड एंड मस्टर्ड। यस, वेरी गुड। चलिए दीपिका, नाउ यू टेल बेटा, विच एनिमल्स रियर्ड बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पा सिटी? मैम हड़प्पा, विच टाइप ऑफ एनिमल रियर्ड बाय द हड़प्पा मैम सिटी? क्वेश्चन है यस बेटा, आपको बताना है विच टाइप मैम, ऑफ हड़प्पा एनिमल। सिटी कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। वेरी गुड दीपिका। तो कौन कौन से जानवरों को चराया जाता था? कैटल, शिप, गॉट एंड बफेलो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, प्रिया बताएंगी उसका आंसर। यस प्रिया, नाउ यू टेल, विच फ्रूट कलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ हड़प्पा सिटी? मैम गाय, कैटल, फिश। यस प्रिया। ओके अरुण, नाउ यू टेल। यस मैम। मैम फ्रूट। यस, हमें एक ही तो फ्रूट का नाम दिया है यहाँ पर, बेर। यस मैम। तो बेर, बेल और बर्रे, ये तीन फल थे, फिलहाल हमें उसमें से एक ही दिया है, बेर, जिसे हम लोग भी शिवरात्रि पे ज्यादा लाइक करते हैं। शिवरात्रि में यही तो एक फल चढ़ाया जाता है ना? यस मैम। आने भी वाली है महाशिवरात्रि, तो जैसे ही आप लोग शिवरात्रि में जाएंगे चढ़ाने के लिए, तुरंत आपको याद आएगा कि हड़प्पा सिटी के लोगों ने इसे स्टार्ट किया था, उन्होंने ही उगाया था। अगर आज उन्होंने नहीं उगाया होता तो आज हम शंकर जी को कोई और फल चढ़ा रहे होते। चलिए, यस मैम। तो यानी कि मैम आपको, शुगर कैन मैम, और बेल का पत्ता। यस, गन्ना और बेलपत्री भी चढ़ाई जाती है। तो शुगर कैन, अब ये यस जो मैम। आपका फ्रूट है बेर, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? हड़प्पा सिटी में ही, यानी कि जो शंकर जी को सबसे ज्यादा जो फेवरेट चीजें जो शिवरात्रि पे चढ़ाई जाती है, वो आज से 4,700 साल पहले उगाई गई थी। चलिए, तो अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ना है, एक क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। तो हमारे, अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा मोस्ट पार्ट है हड़प्पा सिटी का, वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। देखिए, अगर एक बार हम मैप को देखते हैं फिर से,
तो देखिए इसका ज्यादातर पार्ट जो है ना वो पाकिस्तान में चला गया आज के टाइम पे। मोहनजोदाड़ो, सुतलेख, ये सारी जगह जो है, ये कहाँ, रानीगढ़ी, ये सारी कहाँ चली गई है आज के टाइम पे, पाकिस्तान में मेन पार्ट इसका। अब हमें नेक्स्ट अब ये पढ़ना है कि कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हमारे गुजरात में हैं। तो गुजरात में हमारे हड़प्पा का कौन सा शहर था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके यस मैम। चलिए तो अब इन यानी कि ये गुजरात में जो हड़प्पा का एक पार्ट था, अभी कौन सी जगह है, द सिटी ऑफ धौलावीरा। तो धौलावीरा एक शहर था, वॉज लोकेटेड इन द खादिर बे इन द रन ऑफ कच्छ। तो ये रन ऑफ कच्छ यानी कि जहाँ कच्छ की घाटी है गुजरात के पास, गुजरात में कच्छ की घाटी, रन ऑफ कच्छ, वहां पर धौलावीरा है। देखिए मैप में हमें दिखाया भी हुआ है। यस यस मैम, मेरा धौलावीरा, और यहीं पर हमारी रन ऑफ कच्छ भी है, ये रही। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, आगे आते हैं। अब इस धौलावीरा की क्या क्वालिटी थी, क्या कैसे लोग थे, क्या पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग एक ही तरह रहते थे, नहीं ऐसा नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, तो यहाँ पर ताजा पानी भी मिल जाता था और यहाँ की जमीन भी काफी उपजाऊ थी, अनलाइक सम ऑफ द हड़प्पा सिटीज। आपकी आवाज कट कट से आती है बेटा, सभी को कट कट के जा रही है, प्रॉपर जा रही है आवाज। ओके तो जिनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है फिलहाल उन्हें आ रही है कट कट के, उनको भी अभी ठीक आने लगेगी। तो देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा कि हड़प्पा के लोग जो हैं वो खेती करने के लिए पहले पानी स्टोर करके रखते थे, फिर सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करते थे, एंड गर्मी के टाइम में सिचुएशन ये हो जाती थी कि उन्हें वो जगह छोड़ के अपने जानवरों को कहीं और ले जाना पड़ता था। लेकिन हड़प्पा का ही एक दूसरा शहर है धौलावीरा, यहाँ पर पानी कट कट कर आ रही है। अरुण बेटा अभी प्रॉपर जाने लगेगी आपको, आपके यहाँ थोड़ा सा बैंडविड्थ कमजोर है। तो ये देखिए यहाँ पर पानी की स्थिति अच्छी थी, यहाँ पर लोगों को पानी ठीक से मिल जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पर, क्या बताया हमें। तो यहाँ की जमीन भी काफी फर्टाइल थी, काफी उपजाऊ थी यहाँ की मिट्टी, और हड़प्पा के बाकी शहरों की तरह यहाँ पर देखिए एक तो फ्रेश वाटर भी था, फर्टाइल सॉइल भी थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पा सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो बाकी हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा के बाकी शहर थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, कुछ ऊंचाई पे बसे थे वो उनका अलग नाम था, कुछ नीचे बसे थे उनका अलग नाम दिया गया था, पढ़ा था ना हमने। यस मैम, तो हड़प्पा शहर था ये दो पार्ट में डिवाइड था, इसके कुछ पार्ट ऊपर बसे थे ऊंचाई पे। देखिए हमें बताया था ये कहां पर था, कौन से टॉपिक में, यही था शायद। यस लोअर टाउन एंड ये देखिए ये जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया है कि जितने भी हड़प्पा के शहर थे ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते थे। तो एक पार्ट जो ऊंचाई पे बसा होता था, देखिए क्या बताया है, द पार्ट ऑफ द डस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बसा था, यानी कि ऊंचाई पे बसा था लेकिन जगह कम थी। और दूसरा ऐसा पार्ट जो बड़ा था लेकिन नीचे जगह पे था, यानी कि बड़ा तो बहुत था, एरिया बहुत था लेकिन जगह कितनी थी, सॉरी ऊंचाई पे था, छोटी थी जगह, नीचाई पे थी लेकिन एरिया बड़ा था। देखिए हम ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एरिया माउंटेन पे होगा तो माउंटेन पे जाने के बाद वो नैरो होता जाता है, पतला होता जाता है। तो यानी कि जो एरिया ऊंचाई पे थे उनका कम था एरिया, वो कम जगह पे बस थे। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे क्या होगा, एरिया और बढ़ता जाएगा। तो ये निचले हिस्से पे थे लेकिन दूर तक फैले थे, जो लोअर टाउन था हमारा ये निचले हिस्से पे था लेकिन दूर तक फैला हुआ था, एंड जो हमारा अपर टाउन था
ऊपर वाला हायर टाउन, ये हमारा ऊंचाई पे बसा था लेकिन छोटा था, एरिया इसका कम था। तो आप देखिए हमें धौलावीरा के बारे में क्या बताया है, धौलावीरा में थ्री पार्ट्स में डिवाइड था, दो में नहीं थ्री पार्ट्स में। अब ये तीन पार्ट्स कौन कौन से थे देखिए, तो हमारा ये जो धौलावीरा है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड ईच पार्ट्स वर सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर पार्ट को बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारों से अलग किया था, विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, और इन सभी में एक एंट्रेंस लगा था, प्रवेश द्वार जहां से अंदर जाया जाता था। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और इसके अलावा जो जहां पर लोग रहते थे, जहां पर उनका सेटलमेंट था, वो बहुत ही खुला एरिया था, बड़ा सा दूर तक। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन सॉरी वेरी वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। तो देखिए ये सबसे पहले तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड था, और तीनों पार्ट्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस गेट बनाए गए थे, यानी कि एक पार्ट इधर था उनका एंट्रेंस गेट इधर हो गया, दूसरा एरिया इधर है उनका एंट्रेंस गेट इधर हो जाता है, तीसरा एरिया इधर है उनका एंट्रेंस गेट इधर हो जाता है। लेकिन एक क्वालिटी थी कि इन सभी का जहां पर एंट्रेंस गेट था वहां पर बहुत बड़ा सा हॉल था जहां पर इन तीनों के एंट्रेंस गेट खुलते थे। अब ये बड़ा सा हॉल क्यों रखा गया था, यहाँ पर देखिए क्या होता था, यहाँ पर पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड, कोई भी पब्लिक उत्सव होता था जहां पर सभी लोग इकट्ठा होते थे, तो वो सारे उसी बड़े से हॉल में मिल करके पब्लिक सेरेमनी सेलिब्रेट करते थे। ओके लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इन लेजेंड वुड। अब यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के स्क्रिप्ट लिपि, तो यहाँ पर कुछ लेटर्स में लिखा गया है जिन्हें किस पे लिखा गया था, वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन सफेद पत्थर पे, एंड या फिर इन वुड इन लेड इन वुड, तो या तो लकड़ी में घिस करके कार्विंग करके लिखा गया है, लकड़ी पे खुदाई करके, और दूसरा सफेद पत्थर पे लिखा गया है। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज अ जनरली हड़प्पा राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। तो देखिए अब ये जो हड़प्पा राइटिंग है ये हमें मिली है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों पे भी वो लोग लिखना जानते थे, जैसे कि मोहर हमें बताया था अभी, उनका स्टैम्प दिया था पिछली क्लास में हमने देखा था ना, इनका सील दिया था हमें, ये रहा स्टैम्प, जैसे आज के टाइम पे हम किसी काम के लिए जाते हैं वहां पर स्टैम्प लगा के दी जाती है, मोहर लगा के दी जाती है, तो सेम ऐसे ही हड़प्पा टाइम जो हड़प्पा सिटी के लोग थे उन्होंने भी अपनी एक सील बनाई थी, एक मोहर बनाई थी जिसमें कुछ लिखा गया था, और ये सील वो केवल लकड़ी की ही नहीं बनाते थे, ये सील वो व्हाइट स्टोन की भी बनाते थे, दैट मीन्स की जो मोहर है ये व्हाइट स्टोन पे भी बनाते थे, स्टोन में वो लोग इस तरीके से खुदाई करके बनाते थे, और लकड़ियों के भी इस टाइप की सील बनाई जाती थी, तो लकड़ियों को भी वो लोग खुदाई करके बनाते थे। ओके चलिए तो अब आगे देखते हैं और क्या बताया है हमें धौलावीरा के बारे में। तो ये लोग सील्स पे लिखते थे, मोहर पे। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात। तो ये देखिए अब हमें क्या बताया है कि जो लोथल है यानी कि हड़प्पा का ये भी एक शहर है लोथल, ये कहाँ बसता है, द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। तो बेटा ट्रिब्यूटरी जानते हैं आप लोग क्या होता है, यस जानते हैं आप लोग ट्रिब्यूटरी क्या है, चलिए ये वर्ड पहली बार आता है शायद, तो मैं आपको बताती हूँ ट्रिब्यूटरी होता क्या है एक्चुअल में। यस महक, जन सहायक नदी, यस सहायक नदियाँ। अब देखिए एक्चुअल में ट्रिब्यूटरी होती क्या है, सपोज दैट ये है आपकी गंगा नदी, ओके अब क्या होता है गंगा नदी को जब बीच में कोई पार्ट मिलेगा, यानी कि अगर ये पार्ट निचला है तो इसका पानी पूरा डायरेक्टली सीधा नहीं बहता जाएगा, यहीं से कट होकर के यहाँ बह जाएगा, और ऐसा केवल एक जगह नहीं बहुत जगह होता है कि किसी भी बड़ी नदी का पानी जो है वो कहीं और मुड़ जाता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर उन्हें निचला हिस्सा मिल जाएगा। और ऐसा आपने भी देखा होगा कभी कभार हम गेम खेलते थे, पानी सीधा जा रहा होता था तो हम क्या करते थे उसका रास्ता मोड़ देते थे बीच में से खींच के, तो जब आप क्या करेंगे, yes, पतला सा रास्ता है पानी बह के जा रहा है, आपने क्या कर दिया इधर की तरफ खींच दिया किसी छोटी सी लकड़ी से, तो अब क्या होगा पानी सीधा जाएगा, नहीं पानी अब इधर,
तो सेम ऐसे ही होती हैं ट्रिब्यूटरीज, जब किसी बड़ी नदी का पानी कट जाता है किसी तरफ, यानी कि वो यहाँ कट गया या फिर इधर कट गया, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे दीज आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज, तो इन्हें ही हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ओके यस मैम। अब हमें बताया है कि जो ये लोथल है ये साबरमती नदी जो है, साबरमती नदी जहां पर गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, सभी ने सुना है ना गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। फिलहाल अभी हिस्ट्री में हमें इतना ज्यादा नहीं जाना है, ये आप जब आप इस क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो साबरमती नदी की जो ट्रिब्यूटरी है गुजरात में, वहीं पर लोथल है एंड क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत, और जो गल्फ ऑफ खंबत है यानी खंबत एक गल्फ है यानी कि घाटी, तो यहाँ पर ये सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन वर इजली अवेलेबल, यहाँ पर एक कीमती टाइप का पत्थर पाया जाता है। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, और ये एक ऐसा सेंटर था लोथल। लोथल एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों से चीजें बनाई जाती थी, जैसे कि देखिए यहाँ पर शेल से बनाई जाती थी चीजें, जो शेल हमें समुद्र से मिलता है, मूंगा मोती एंड मीटल से भी चीजें बनाई जाती थी। एंड देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, और इस शहर में यानी कि लोथल में इन लोगों का एक स्टोर हाउस भी था जहां पर ये बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखते थे। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स द इम्पेल्शन ऑफ सील्स ऑन द क्ले, तो देखिए बहुत सारी सील्स यानी कि बहुत सारी मोहरे एंड सीलिंग, सीलिंग क्या होता है जहां पर इन लोगों ने मोहर की छाप लगाई है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हमें वहां इनके स्टोर हाउस से मिली हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को इनके स्टोर हाउस से मिली है। तो स्टोर हाउस फिलहाल अब वैसे का वैसा नहीं है, वो दब गया है, लेकिन जब खुदाई करने के बाद उस जगह वो जगह मिली है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने क्या बताया है कि ये उनका स्टोर हाउस रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखी गई है और यहाँ पर डेली लोगों का आना जाना नहीं होता था। तो ये देखिए जो लोथल के लोग हैं ना, ये पत्थर की चीजें बनाते थे, इन्होंने मुहर्स भी बनाई थी, सीलिंग भी बनाई थी, तो ये सारी चीजें वो उन्हें कहाँ स्टोर करके रखते थे, अपने स्टोर हाउस में। ओके स्टोर हाउस में। दूसरा देखिए एक और चीज हमें बताइए, ये भी लोथल में है, डॉक यार्ड, यानी कि ये ऐसी जगह है डॉक यार्ड जहां पर नाव उतरती है, नाव में बैठते हैं हम लोग, तो ये है किसी भी नदी या तालाब का किनारा। तो ये देखिए दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन डॉक यार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स कम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, तो ये वो जगह है जहां पर नाव आती थी किसी समुद्र से या फिर किसी बड़ी सी नदी से और यहाँ आकर के रुकती थी और यहीं से लोग उतर जाते थे। तो ये डॉक यार्ड कहाँ पाया गया है, लोथल में। गुड्स आर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर, अब यहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बताया है कि ये वो जगह है जहां से लोग नाव के थ्रू सामान मंगाते थे और नाव से सामान भेजते भी थे, यानी कि जो खुद वो चीजें बनाते थे स्टैम्प वगैरह या पत्थर की चीजें, वो यहाँ से भेजते भी थे और दूसरे एरिया से मंगाते भी थे। तो यहाँ से वो लोग नाव मंगाते थे, यानी कि उन लोगों ने नाव भी बना ली थी, वो लोग नाव बनाना भी जानते थे। ओके यस मैम। आगे देखिए और क्या बताया हमें, ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला है, यहाँ पर मोती से चीजें बनाई जाती थी, पत्थर के टुकड़े मिले हैं और इसके अलावा आधी अधूरी बहुत सारी मोती की मालाएं मिली हैं, मोती से बनाए गए टूल्स मिले हैं एंड इसके अलावा बहुत सारे मोती से रिलेटेड काम मिले हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, चीज जो इन्होंने बोट से जो सामान मंगाया उसमें ये लोग मोती भी मंगाते थे, उसका सामान भी बनाते थे। तो जो इनका स्टोर हाउस है, इस एक बिल्डिंग देखिए हमें बताई है, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर बहुत सारी चीजें मिली है, ये इनका वर्कशॉप था, वर्कशॉप यानी कि वो जगह जहां पर ये लोग काम करते थे। तो एक तो स्टोर हाउस मिला है, दूसरा वर्कशॉप मिला है।
स्टोर हाउस में ये चीजें स्टोर करके रखते थे, अब वर्कशॉप मिला है तो वर्कशॉप में हमें कहीं आधी बनी हुई चीजें, कहीं पूरी बनी हुई चीजें मिली हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पर इस वर्कशॉप में बैठ के ये लोग काम करते थे, चीजें बनाते थे, मालाएं बनाते थे। ओके यस yes, मैम। जैसा आज पढ़ाया सभी को समझ आया? यस मैम। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है हमें? द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब रहस्य क्या है हड़प्पा के बारे में? तो नेक्स्ट अब हम ये पढ़ेंगे कि अब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इतनी सारी चीजें खोजी, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे वो ढूंढना चाहते थे और आज तक नहीं पता लगा पाए, तो मिस्ट्री कौन सी रह गई है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में अब हमें पढ़ना है द मिस्ट्री ऑफ द हड़प्पा सिटी। हड़प्पा सिटी का क्या रहस्य बना हुआ है? चलिए अब एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन बताएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस प्रिया। चलिए प्रिया बताएंगी। प्रिया आपको बताना है कि जो लोथल है हड़प्पा सिटी का पुराना शहर, वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मैम यस महक यस महक नाउ यू टेल बेटा। मैम साबरमती। साबरमती यस। तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, देखिए दिया हुआ है हमें, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अरुण बताएंगे, आज अरुण ने अभी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। यस अरुण, आपको बताना है कि लोथल के जो लोग थे वो क्या क्या चीजें बनाना जानते थे? मैं मिट्टी के बर्तन। और क्या बनाना जानते थे? फिलहाल मिट्टी तो नहीं दिया है यहाँ पर। मैं मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के खिलौने। बेटा आप अरुण यू आर गेटिंग कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो गए। अभी हमने लोथल के बारे में ये पढ़ा है, यहाँ के लोग क्या बनाना जानते थे वो बताना है आपको। ओके चलिए प्रिया आप बताइए। यस मैम। यस कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड। किसी को नहीं मालूम यहाँ के लोग, देखिए क्या ये क्या क्या बनाते थे, ये रहा यहाँ पर स्टोन शेल एंड मीटर मिला है। और देखिए अभी अभी हमने इनके वर्कशॉप के तो बारे में पढ़ रहे थे, वर्कशॉप जहाँ पर ये काम करते थे, ये स्टोन के मोती की चीजें बनाते थे, और यही हमें इनके स्टोर वर्कशॉप से मिला है, आधी अधूरी बनी हुई, कुछ पूरी बनी है कुछ आधी बनी है। चलिए तो आज मीटिंग एंड होने वाली है, फिलहाल टाइम ओवर होने वाला है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय बाय।